friends, welcome back. So the next activity we are up to is face painting. So yahan pe aap dekh sakte hain, we have great number of paints. These are from SM Omega and these are face paints, just particularly used for face. So ye green and white hai aur hum inko use karke flags ke liye, lekin hame thoda sa detail karne ke liye black chahiye tha, isliye hum ye bhi le aaye. And I made this with and isme maine bahut kiya tha mehnat aur ye subscribe likha hai, to aapne isko dekh kar subscribe zarur karna channel ko, kyunki ye cutting bahut mushkil se thi. So friends, maa Madhu Zefa ke liye baba ji woh pakistan wali cap bhi laaye the, jiski ek flags bane hue hain, pakistan ka map hai, to ye bahut achhi lagi hai. And ye jaise ki iske dress se बिल्कुल मैच हो गई है. इज ऑल्सो नाउ गोइंग टू पेंट. तो मोहम्मद ज़ैफ़ा ने वाटर कलर से पेंटिंग करनी है, बाकी फेस पेंट जो है वो हम इन वालों से इसके फेस पे करेंगे. वैसे मोहम्मद ज़ैफ़ा वाटर कलर से रजिस्टर में पेंट करेंगे. तो इस बोर्ड पे मैं कुछ डिज़ाइन बनाऊंगी, वो फिर हम आपको दिखाएंगे. वो डिज़ाइन फेस पे जो चूज करेगा उसको वो वाले बनाएंगे. रेड वाला है तो सही तुम्हारा. Yes. तो एक हार्ट बनाया मैंने, एक चांद सितारा, एंड ये स्टार्स मुझे अच्छे लग रहे थे कि आइस के नीचे स्टार्स अंडर द आई. तो फ्रेंड्स, फेस पेंटिंग थीम्स की हेडिंग के नीचे एक हार्ट फ्लैग वाला, ये वहाँ पे तो ग्रीन एंड वाइट कलर से मैं बनाऊंगी फेस को. ये सिंपल चांद सितारा है, ये फ्लैग है, एंड ये स्टार्स अंडर द आइज. ये बस मुझे वैसे अच्छे लग रहे थे तो मैंने सोचा कि ये भी होना चाहिए. एंड दिस इज स्पेशली फॉर यू पीपल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब SMH स्क्वाड. तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. तो मेरे फर्स्ट मॉडल जो है वो है हीरा. तो हीरा, आर यू एक्साइटेड? यस. तो चले हीरा से स्टार्ट करते हैं. हीरा, तो आप इनमें से कोई चूज करें. ये हार्ट वाला. ओके, तो हीरा के लिए हार्ट. अगर आप लोगों के पास अपने कोई डिज़ाइन हो तो मैं वो भी बनाऊंगी. कलर कैसा आता है? तो ये एक लाइट सा ग्रीन है और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी. तो यस, ये मतलब फैलेगा नहीं ज़्यादा. मैं बस यही देखना चाहती थी कि अगर ये फैलेगा तो हम इसे स्किप करके पोस्टर यूज़ कर लेंगे. तो ये सही है, इसको इस्तेमाल. तो जब तक सफ़ा भी हीरा के फेस पेंटिंग कर रही है, पोस्टर, तब तक मैं ज़ैफ़ा की पेंटिंग करती हूँ. तो चले पूछते हैं कि ये लोग, ये ज़ैफ़ा कौन सा डिज़ाइन सेलेक्ट कर रहा है, कौन सा चांद सितारा ज़ैफ़ा ने सेलेक्ट किया. तो चलिए ज़ैफ़ा को मैं पेंट. हार्ट 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 यहाँ से. ज़ैफ़ा का बन गया, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम किया है ट्राई, इस वजह से इतना नीट नहीं है. ये मेरे न्यू पेंट्स कल ही आए हैं तो इसको मैं कल ट्राई करूँगी. कभी रास्ता इसका मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छा बन जाएगा. मेरा भी प्रोग्रेस हुआ. तो फ्रेंड्स, मैं ब्लैक और वाइट को मिक्स करके कुछ ग्रेश कलर से चांद सितारा बनाने की ट्राई कर रही हूँ. मैंने ज़ैफ़ा का कर लिया, तो अब मैंने अपने पापा के हैंड में चांद सितारा बनाऊँगी. तो ये बन गया है, अब मैं स्टार्ट अपने पेंट्स पे आज कर रहा हूं ट्राई. मोहम्मद ज़ैफ़ा भी अपने पेंट्स ट्राई कर रहे हैं रजिस्टर पे. आज मैं अपने पेंट्स पेल पर बनवा टू निकाल करने. सो फ्रेंड्स, मेरा नियर टू कंप्लीट है, लेकिन अभी सरप्राइज रखा जा रहा है. तो मैंने ये बना लिया है, लेकिन मुझे लगता है अभी मैं ग्रीन से कोई डेकोरेट मतलब डॉट्स वगैरह लगा लूँ इसके साइड्स पे. तो देखते हैं. स्टार की साइड तो मैंने ये बना लिया. स्टार्ट. सो फ्रेंड्स, आई हैव कंप्लीटेड इट. तो मैंने इस पे एक स्पेशल टेक्निक यूज किया, तो आप दिखाते हैं. तो यहाँ पे ये ब्लैक एंड ग्रे से
बनाया है एंड उसके बाद आइज क्लोज करवा के मैंने हीरा की स्प्रिंकल किया ग्रीन पेंट उसके फेस पे जो बिल्कुल ना स्प्रेडर प्रिंट की तरह है. सो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ गुड आर्ट वर्क. सो आई एम ग्लैड कि ये अच्छा बना है. सो फ्रेंड्स अब मेरे पास मरवा आ गई है एंड मरवा का मैं करूँगी. तो मैंने एक इंक्रीज़ किया ये फ्लावर. तो मरवा ने ये चूज़ किया इसकी एक पेटल ग्रीन एक वाइट ऐसे करके मैं बनाऊँ. तो बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ. अब मैं सो फ्रेंड्स अब मैं अपने हाथ में ना मून और स्टार खुद से बनाने लगी हूँ. ये है ना ब्रश से भी हाँ तो क्या मुझे ना 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 ये ना लगाओ ये नहीं है ये और तरह के कलर है कि और तरह के इन्हीं इन्हीं से बनाओ जो भी बनाना है. फर्स्ट टाइम हम वुड यूज करेंगे. क्या मैं कह रही हूँ फर्स्ट टाइम हम वुड यूज करेंगे अभी बनाने. अरे वाह अच्छा अब आपने कहना है हुज़ैफ़ा की पेंटिंग भी साथ साथ जारी है. अब कौन बोलेगा मैं चलो बोलो बोलो. ये दिख रहा है तो फिर मेरा ब्लैक से बाउंड्री बना देती नहीं रहने दो. बाउंड्री ना बनाओ जैसे वो हीरा का बनाया था ना वैसे ही बनाओ. चलो ठीक है जो भी तुम्हारा दिल करता है बनाओ. सो फ्रेंड्स ये देखिए अभी मैंने चांद सितारा बना दिया और अब मैं इधर फ्लैग भी बनाऊंगी. सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मरवा का ये फ्लावर मैंने बनाया है. पहले मैंने सोचा था एक ग्रीन पेटल फिर वाइट करेंगे लेकिन फिर ये ज़्यादा मुझे बेहतर लगा कि ग्रीन बाउंड्रीज के साथ वाइट पेटल्स. तो अब मैं मिरर के थ्रू अपने फेस पे कुछ बनाऊंगी. फ्रेंड्स ये देख जरा मेरा पूरा फ्लैग बन गया है. और अब मैं अपने हेड पे इसी तरह का एक फ्लैग बनाऊंगी. तो देखते हैं कि मेरा फ्लैग कैसा बनता है. तो फ्रेंड्स ये चांद सितारा मैंने बनाया है यहाँ पे एक स्टार बनाया है. तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि यहाँ पे एक एस भी लिखूँ. तो फ्रेंड्स मैंने सबसे ज़्यादा अपने फेस को फिल कर किया है यहाँ में. मैंने एक एस बनाया था लेकिन मिरर की वजह से वो उल्टा हो गया और कुछ स्वान जैसा बन गया. इसलिए यहाँ पे एक और एस बनाया और ये सीधा है और ये एक मून विद स्टार इनसाइड एंड यहाँ पे एक स्टार. तो फ्रेंड्स हीरा रिप्रेजेंट कर रही है SMS क्वाड को. SMH squad keep smiling. तो फ्रेंड्स सबके पेंट्स कंप्लीट हो गए हैं. अब सब आपको वन बाय वन शो करते हैं. सो फ्रेंड्स ये है मेरा हार्ट और ये है SMH squad और ये है मैंने जो खुद फ्लैग बनाया. तो यहाँ पे मैंने एक फ्लैग बनाया है खुद से और यहाँ पे मेरे फेस पे सफा भी ने फ्लावर बनाया है और ये मैंने अपने पापा के हैंड पे चांद सितारा बनाया है कि थोड़ा सा ग्रीन कलर फैल गया लेकिन कुछ नहीं होता. हुज़ैफ़ा का भी ये हार्ट मैंने बनाया है. सो गाइज यहाँ पे मैंने एक एडिशन किया है SMH एंड ये बहुत अच्छा लग रहा है. ग्रीन कलर को मैंने किया है इसमें. और गाइस यहाँ पे मैंने अपने फेस का आपको पहले डिस्क्राइब किया था और साथ में मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आप बन जाएँ स्क्वाडियंस एंड वी आर रियली नियर 200 सब्सक्राइबर्स. और जब हो जाएंगे तो हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो ज़रूर लाएंगे. एंड फ्रेंड्स यहाँ में हमारी ये वाली आज़ादी सीरीज़ की वीडियो क्लिप कम्प्लीट होता है एंड इसके बाद हमारा लास्ट जो है सीक्वेंस वो अब हम बना रहे हैं उसके उसमें आज की आज़ादी सीरीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी. आज का इंडिपेंडेंस डे मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट इंडिपेंडेंस रहा है अब तक और इसमें मैंने सबसे स्पेशल चीज़ें देखी हैं एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस डे. तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि आज की इस आज़ादी सीरीज़ को आई रिपीट के आज हमने फ्लैग होस्टिंग की प्लांटेशन की
आउटडोर एक्टिविटीज़ की, वी टुक नंबर ऑफ पिक्चर्स एंड पेंटिंग एक्टिविटीज़, तो ये सब कुछ हमने बहुत इसमें इंजॉय किया है। एंड थैंक्स टू आवर पेरेंट्स जो कि अपने दिन की उनकी आज़ादी कोई नहीं होती, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए बस देखते हैं कि किसी तरह उनके बच्चे किस तरीके से खुश हो सकते हैं। आज सारा दिन हमारे पापा हमारे साथ गर्मी में पहले फ्लैग लगाते रहे, बाद में प्लांटेशन में जो डिगिंग का काम था वो इतना डिफिकल्ट था वो उन्होंने सारा किया इतनी देर वहाँ पे करके, तो ये बहुत मेहनत काम था। और साथ में मामा आज क्यों वो हमारी वीडियोस में आज शॉप भी नहीं कर सकी क्योंकि वो सारा दिन हमारे लिए किचन में काम करती रही, एंड दिस इज़ वेरी बिग डील और ये हम बयान नहीं कर सकते। सो थैंक यू मामा एंड पापा एंड कीप वॉचिंग एसएमएट स्क्वाड।